कभी नहीं बताया, कितना अब्यूज करता था कभी नहीं बताया मैंने। अब वो मुझे अटैक कर रहा है मेरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट सब कुछ हैक कर लिया उसने। उसको लगा कि मैं सीधी साधी हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी, इसलिए वाइस ट्रबलिंग मी। मैं उसको बिल्कुल ट्रबल नहीं करूँ, उसकी पहले बीवी से भी बात नहीं करी मैंने। वो मेरा पूरा इंस्टाग्राम पे वो मेरा अब्यूजिंग लैंग्वेज डाल रहा है चैनल के खिलाफ। कल जाके वो मेरी गंदी वीडियो डाल सकता है, मेरा इंस्टाग्राम उससे ले लो आई रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम फेसबुक पीपल वो मेरी गंदी वीडियो न्यूड वीडियो डाल सकता है। ऐसा थोड़ी हो सकता है। मुझे ब्लैकमेल कर रहा है इतना वो। मैं पुलिस के पास आई हूँ, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। हम लेट्स गो इनसाइड। ऑल्दो राकेश जी पहले भी मुंबई पुलिस ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, आज भी आप आए हो तो कितना सपोर्टिव होगा। मुझे मुंबई पुलिस पे भरोसा है, वो मुझे सपोर्ट करेगी। वो मुझे बार बार धमकी दे रहा है बिहार से केस करूंगा, इतना तो सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी तक जाएगी। कलर्स टीवी के सामने तुझे नंगा कर दूंगा, उसके सामने गिरा दूंगा। उन्होंने कितना गंदा है, फेसबुक पे जाके मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो कितना गंदा लिखा है। मेरे मंत्री है, मेरे पास पुलिस है, सब है, तो मेरे पास नहीं है क्या? जैसे कि आपने मंत्री एंड पुलिस स्पेसिफाई किया है, तो क्या किसी का नाम लिया है उन्होंने? वो क्या बोलूँ मैं, वो बहुत गंदी गंदी धमकियाँ दे रहा है वो मुझे, जो मैं मीडिया में बता नहीं सकती। मैंने उसकी उसके अच्छे के लिए, मेरी शांति के लिए मैंने उसको छोड़ा है। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो हाथ उठाता है अभी यूज़ करता है। मैं नहीं रह सकती। मैम उन्होंने बोला भी था कि आपकी मम्मी को लाइक बहुत कुछ हेल्प किया था कि अभी वो कुछ नहीं किया। मेरी मम्मी को मैं बिग बॉस में गई थी तो मरने के लिए छोड़ दिया। मैं अकाउंट नंबर देकर गई थी, उसने एक पैसा नहीं दिया मेरी माँ को। आस्क माय मॉम। मेरी माँ को कैंसर में पूरा हॉस्पिटल में लड़ रही थी, अकेले लड़ रही थी, उसने मेरे अकाउंट से एक पैसा नहीं दिया। मेरी माँ कितना रोई है वो मैं जानती हूँ। मैंने हर बात में फगीव किया। मेरी माँ को पूछो, उसका पूरा कैंसर में बुरी हालत थी। अभी मैं पुलिस स्टेशन आई हूँ, आई विश के सब कुछ अच्छा हो, मैं जाके आती हूँ, मुझे कंप्लेंट लिखानी है।